नमस्कार दोस्तों, सोनी ब्रोस एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंदर वर्मा। भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद आजकल आप सुन रहे होंगे कि मोबाइल ही आपका बैंक है। मोबाइल से ही आप किसी को पैसे दे सकते हैं या मोबाइल से ही आप किसी से पैसे ले सकते हैं, पर कैसे, आइए सीखते हैं। वैसे तो मोबाइल को बैंक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम विशेषकर एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो भारत सरकार ने खुद आपके लिए बनाई है और उसका नाम है भीम। भीम एप्लीकेशन का यूज करने के लिए आपको कुछ आसान से काम करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक आधार कार्ड नंबर होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। स्मार्टफोन और इंटरनेट, बहुत जरूरी बात। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट की सुविधा उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप आजकल कितने प्रोवाइडर्स हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जियो सिम आप ले सकते हैं फ्री में इंटरनेट अगले 3 महीने। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये दोनों आपके बैंक अकाउंट से जुड़े हुए होने चाहिए। बैंक से इन दोनों को जोड़ने के लिए बहुत ही आसान काम करना पड़ेगा। आप बैंक में जाइए, वहाँ पे KYC फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कीजिए और बैंक वाले आपके मोबाइल नंबर और आपके आधार कार्ड नंबर को आपके अकाउंट से जोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको भीम एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए चाहिए होंगी। भीम एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और सर्च बॉक्स में टाइप करें BHIM और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें। इससे भीम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगी। ध्यान रखिए, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिए। भीम एप्लीकेशन पहली बार चलने पे आपसे आपकी पसंदीदा भाषा चुनने को कहेगी। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। भीम एप्लीकेशन को कुछ परमिशंस चाहिएंगी जिनको आपको अलाउ करना होगा। यहां आप अपना वो मोबाइल नंबर चूज कीजिए जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर आपके पास ड्यूअल सिम मोबाइल फोन है तो यहां आप ध्यान से उसी नंबर को चूज कीजिए जो आपका बैंक से लिंक है। एक बार नंबर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। भीम एप्लीकेशन अपने आप खुद को रजिस्टर कर लेगी और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। भीम एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपको 4 डिजिट का पासकोड नंबर बनाना पड़ेगा। आप यहां कोई भी 4 डिजिट का नंबर एंटर कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको इसे किसी को भी नहीं बताना। ये आपका ATM पिन की तरह काम करेगा। एंटर करने के बाद राइट पे क्लिक करें, उसी नंबर को दोबारा एंटर करें और राइट पे क्लिक करें। और अब आप अपनी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देखेंगे मेरा ICICI बैंक का अकाउंट अपने आप भीम एप्लीकेशन में एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मेरा ये मोबाइल नंबर ICICI बैंक में रजिस्टर्ड है। अगर आपका मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा बैंक में रजिस्टर्ड है तो भीम एप्लीकेशन में आप दूसरे बैंक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम तैयार हैं भीम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। लेकिन रुकिए, आपको जिसको पैसे देने हैं या जिससे पैसे लेने हैं उनके पास भी भीम एप्लीकेशन होनी चाहिए। आइए देखते हैं भीम एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं। भीम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको अपना पासकोड एंटर करना पड़ेगा जो आपने इसको सेटअप करते वक्त बनाया था। अब आपको जिस आदमी को पैसे देने हैं उसके लिए आपको सेंड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आप उस आदमी का मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। ध्यान रहे, सामने वाले के पास भी भीम एप्लीकेशन इसी तरह रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक बार मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिए और सामने वाले का नाम आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे नजर आने लगेगा। उसके बाद आपको जितने पैसे भेजने हैं वो पैसे अमाउंट में एंटर कीजिए।
आप ये पैसे क्यों भेज रहे हैं ये आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। आप इस व्यक्ति को सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा इस मोबाइल नंबर को एंटर ना करना पड़े। उसके बाद पे बटन पे क्लिक कीजिए। आपको अपना पासकोड दोबारा भरना पड़ेगा और आप देखेंगे कि भीम एप्लीकेशन ने आपके बैंक से सामने वाले के बैंक में पैसे भेज दिए हैं। सामने वाले व्यक्ति के भीम एप्लीकेशन के ट्रांजेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पैसे उसको प्राप्त हो चुके हैं। तो देखा आपने कितना आसान है भीम एप्लीकेशन को यूज करना। सोनी ब्रोस एजुकेशनल सीरीज में हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।